बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान इस लिहाज से उन जो पाकिस्तान के हुक्मरान होते हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनके हिसाब से इस वजह से खुशकिस्मत है कि जब भी उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किलात हो, तो वो उनके पास एक ही हल होता है कि वो खत्म नबूत का कार्ड खेलते हैं और जिससे वो वक्ती तौर पर बच जाते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे पहले भी बहुत सारे हुक्मरानों ने इसी किस्म के कार्ड खेले। वो आज कहाँ गए हैं, किस जगह पे हैं, वो जन्नत में है कि दोजख में है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल वो कार्ड खेल गए और लेकिन वो कार्ड में कभी कामयाब नहीं हुए। यही सूरत हाल इस वक्त मौजूदा हुकूमत की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सख्त परेशान हैं। उनकी कैबिनेट के लोग या उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ वही लोग रह गए हैं जिनको कोई कहीं पर भी कोई किसी ने घास नहीं डाल ली, जैसे कि मौलाना ताहिर शर्फी, जिसको किसी ने नहीं पूछना, नूरुल्लाह कादरी, जिसे किसी ने नहीं पूछना उनको, बाबर रवान को कोई नहीं रखेगा, पीपल्स पार्टी से धुतकारा हुआ है, अली मोहम्मद को किसी ने नहीं रखना, वो एक ऐसा आदमी है कि उसके बाप का भी नाम पूछो तो आधा घंटा लगाता है सोचने में, फिर 6-7 आयतें पड़ेगा, इतने देर बाद वो बताएगा। और ये वो लोग हैं। और एक शेख रशीद की भी हालत यही है। शेख रशीद साहब की अगर बात करते हैं तो शेख रशीद साहब की भी यही हालत है। उनके पास भी जिस तरह पहले कहते हैं टांगा पार्टी ये कहा करते थे इमरान खान को, उनकी भी यही हालत है कि एक सीट है वो भी पीटीआई के की वजह से उनको हासिल हुई, और जो उनकी वजह शोहरत इस वक्त तो हो चुकी है, उनको इंडिविजुअली कोई वोट नहीं मिलना। उन्होंने जिस तरीके से हरकत की हैं, जैसे पूरे टेनोर में बदनाम होते रहे मुख्तलिफ खातिन के साथ जो हरकत करते रहे, एक वो रह गई उनके साथ होंगे, वो आखिर तक चिमते रहेंगे। बाकी एक फवाद चौधरी हैं जो एक पॉजिटिव आदमी है, जिसकी मैं भी इज्जत करता हूँ, सभी दुनिया इज्जत करती है। उनका नज़रिया इन सारे ये 5-6 लोग लिए हैं, इनसे मुख्तलिफ इसमें एक आज़म स्वाति भी है जो उस ग्रुप के अंदर ही है, बोला इनके ये ताहिर शर्फी ग्रुप के अंदर, ये बाबर अवान, ये इन लोगों के ग्रुप में। ये लोग जो उनसे हैं इस वक्त इमरान खान के कान भर रहे हैं। इनके पास इकोनॉमिक पॉलिसी कोई नहीं है। इन्होंने आज एक सेनेटर को रिटायर किया और उससे शौकत तरीन को वो सेनेटर बनाएंगे। भाई शौकत तरीन को कुछ आयता होगा तो वो कुछ काम करेगा ना। शौकत तरीन को आप गवर्नर बना दें, उसको जो मर्जी बना लें, उससे कोई काम नहीं होता। ना ही आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है। आप जो आप प्रोग्राम लेके आए थे उसके अंदर फेल हो चुके हैं। फेल होने का मतलब ये कि आपने 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी के बदले आपने तो बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने 50 लाख घर बना के देने थे, 50 लाख घर तो क्या बनने थे, जो घर बने हुए थे वो भी तोड़ दिए। कम से कम उनको रहने देते, उनको नोटिस कराते, भाई जिन्होंने गलत बनाए थे उनको सब्र कर देते। आप बारी बारी करते उनको सड़क पर आपने ले के, अगर या तो आपने कोई उनको नेमल बदल दिया, कोई घर दिया होता तो चले आप बात भी करते, तो आपने कोई घर नहीं दिया। तो इस वक्त ये जो आपके चमचे टाइप के लोग हैं, जिसके अंदर ताहिर शर्फी, बाबर अवान, नूरुल कादरी, शेख रशीद, अली मोहम्मद, इस किस्म के लोग आपके कान में इस वक्त बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यही वक्त है खत्म नबूवत कार्ड खेलने का, क्योंकि हमारे पास और कोई हल नहीं है। यही है जो हमारी इकोनॉमिक को बेहतर कर देगा। और हाल लोग कुछ 2-4 महीने 6 महीने लोग भूल जाएंगे, हमने तो 2-2 दिन 4-4 दिन करने हैं, ये तो आपको बड़ा मसला है, जितना हम इसको उछालेंगे उतना ज़्यादा लंबा जाएगा ये। तो इसीलिए ये चाह रहे थे कि जैसे लबैक वालों का भी काम लंबा करते, लंबा करने से ये था कि मईशत रुक जाती, तमाम लोग इसी चक्कर में रह जाते, लोग वो भूल जाते, चीनी आटा दाल भूल जाते, जैसे 15-20 दिन भूले रहे, वो इनको एक अच्छा एज मिला और भूल गए। और फौज ने कहा कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं करते, इसको मामले को ख़त्म करो ताकि अपना तुम जो काम करने आए वो करो। तो फौज से इसी वजह से नाराज हैं कि फौज ने उस मामले को हल करने की कोशिश की। अगर वो हल ना करते तो ये लंबा चलता, 4-5 महीने कुछ लोग मर जाते, कुछ पुलिस वाले मरते हैं, कुछ रेंजर्स के लोग मारे जाते और कुछ ज़्यादा इनके लोग मारे जाते लबैक वालों को। उससे ये होता कि इनको एक वो मिल जाता कि हुकूमत करने का एक वजह मिल जाती। फिर वो वजह की बासाद एक वजह और निकलती कि इन लोगों ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया और हम अब क्या करें, हमारे पास तो अब मजीद हमें 5 साल चाहिए अगली हुकूमत करने के लिए। तो ये हालात हैं। तो इस वक्त जो उनसे हैं इनके कान भरे जा रहे हैं इमरान खान के, और इमरान खान साहब के लिए मशहूर है यू टर्न लेने के लिए,
दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कानों के बहुत कच्चे हैं। इनको जो भी आदमी डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि जो शख्स मीटिंग के अंदर से काबीना की मीटिंग में से आखिर में निकलता है, खान साहब उसकी बात मान लेते हैं। यानी कि पूरी काबीना एक बात कह रही हो, एक आदमी जो आखिर में रहेगा वो कान भर देता था, और वही जो उनसे लोग हैं ना वो इनके गिनती रहते हैं, जिनकी बाहर कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से वो आए इधर उधर से इकट्ठे होकर, ताहिर अशरफी क्यों आया, ब्लैकमेल करके आया। ताहिर अशरफी ने एक जियो पे प्रोग्राम किया था, मैंने पे कई दफ़ा दिखाया भी है, कि जिसके अंदर वो शराब के नशे में कह रहा है कि बेटी हमारा फख्र है, और कुछ आयतें पढ़ रहा है और कह रहा है जी मैं जो इस किस्म की इमरान खान को कह रहा है कि तुमने अपनी बेटी को कबूल नहीं किया। तो वो जब इमरान खान ने ये प्रोग्राम देखा तो इमरान खान ने उसको अपनी पार्टी में ले आया और अपना मशीर बना दिया ताकि इसका मुंह बंद हो जाए, क्योंकि मौलवी का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मौलवी का मुंह बंद नहीं करेंगे तो वो हर जगह पे बोलेगा, जिससे डेफिनेटली उसको इमरान खान का नुकसान होगा। इस वक्त कहीं भी कोई मौका होता है तो ताहिर अशरफी इमरान खान को बचा लेते हैं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है, पाकिस्तान के हालात बदस्तूर ख़राब हो रहे हैं, और ये हालात जो से ख़त्म नबूत कार्ड खेलें या कोई कार्ड खेलें, सब अवाम जो सी है इस चीज़ को समझ चुकी है कि ये कार्ड जो से हैं सिर्फ अपनी हुकूमतों को तूल देने के लिए किया जाता है, जिसके पीछे कोई वतन नहीं, कोई बात नहीं, ना इनका उस अकीदे से ताल्लुक़ है, ना ही ख़त्म नबूत को समझते हैं कि ख़त्म नबूत एक बाबरकत नाम है और जिसका ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को और हुज़ूर सल्लम की हुरमत और इज़्ज़त को क़यामत तक के लिए रखा हुआ है, और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ताला ने खुद ली है, ना कि हुकूमतों को, ना इन मौलवियों को दी है। और अल्लाह ताला के फजल से ना इस्लाम को कभी ख़तरा होगा, ना कुरान मजीद को ख़तरा होगा, और ना ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कोई नुकसान दे सकेगा। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ नाज़िर। हमारा अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।